नमस्कार, कक्षा 6 एक्सरसाइज 3.3। आज हम इसका प्रश्न नंबर 4 कर रहे हैं। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। हमें देखना है इनमें से कौन सा नंबर 11 से विभाज्य है, 11 से डिविजिबल है, 11 का फैक्टर है, सॉरी 11 का मल्टीपल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे। 11 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए मैं ये नंबर एक बार दोबारा से यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। और यदि आपने मेरा वीडियो देखा होगा पुराना 11 के डिविजिबिलिटी टेस्ट वाला, तो आपने क्या देखा था उसमें कि पहला नंबर लेंगे, दूसरे को छोड़ देंगे और अगला नंबर लेंगे। आगे एक छोड़कर आगे नंबर नहीं है, तो बस ये दो ही हो गए इनको हम। और इसी प्रकार से पहला छोड़ हो चुका, दूसरा नंबर लेंगे, तीसरा छोड़ देंगे, चौथे के साथ इसकी पेयरिंग कर देंगे। अब इनको अलग अलग हम प्लस करेंगे। देखो ये है 5, इसमें ये वाला नंबर 4 प्लस कर दो, ये आ गया 5। आ रहा हूं, 5 + 4 ये बराबर होता है 9 के। दूसरी तरफ देखेंगे तो यहां नंबर है 4 और इसमें प्लस कर देंगे 5, तो ये भी आ जाएगा 9 के बराबर। अब जो अगला स्टेप है वो है, ये जो जोड़ने से आए इनको माइनस करना है, तो 9 - 9 हमारे पास उत्तर आया है 0। 9 - 9 करने से हमारे पास उत्तर आया है 0। और हमने ये सीखा था यदि माइनस करने से हमारे पास 0 आ जाए या 11 या 11 का पहाड़ा आ जाए, तो समझ लेना कि ये नंबर 11 के पहाड़े में आता है, ये नंबर 11 से डिविजिबल है। यदि यहाँ माइनस करने से 0 भी नहीं आया, 11 भी नहीं आया, 11 का कोई पहाड़ा भी नहीं आया, तो समझ लेना कि ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास नंबर आया है 0, इसका मतलब 5, 4, 4, 5 इज डिविजिबल बाय 11। ये बड़ा सिंपल सा 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट इस प्रश्न में हमने किया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको देखने से समझ आया होगा, और यदि अच्छे से समझ आया तो हमारे वीडियो को बच्चों लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।